नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के तमाम खबरों की तरफ हम रुख करेंगे तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र का मंगलवार को आज दूसरा दिन था और विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही साथ सदन के पटल पर 6 अन्य विधेयक भी रखे गए। आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले यानी कि दिन में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस के विधायक चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायालय में ठीक तरीके से पैरवी नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि चार धाम यात्रा को बंद करने को लेकर जो सरकार है वो कोर्ट में सही तरीके से पेश नहीं आ रही है, सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। तो आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5300 करोड़ का ये बजट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है अनुपूरक बजट जिसमें 6 अन्य विधेयक भी रखे गए, पटल से विधेयक भी रखे गए और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा विरोध भी देखने को मिला सदन के बाहर। दिन में जो विरोध प्रदर्शन था विपक्ष का, जमकर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए सरकार के लिए कि सरकार किस तरीके से राज्य में काम नहीं कर पा रही है और नाकामियों को गिनवाया यानी कि अब खामियों को गिनाने का काम, क्योंकि मिशन 2022 अब उसमें जुट गई है कांग्रेस भी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जो है राज्य सरकार पर निशाने साधे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसी बीच आज ये अनुपूरक बजट पेश हुआ है जिसमें 5300 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट जो था वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पेश किया है। तो अनुपूरक बजट आज पेश किया, इसमें काफी सारी चीजों को देखा गया, काफी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुभाष गौर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, आपके से जानकारी चाहेंगे कि 5300 करोड़ रुपए का ये बजट आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया, इस बजट में क्या कुछ चीजें सामने रखी गई, कितना फायदा यहाँ के लोगों को होगा, राज्य के लोगों को पहुंचेगा? जी मनीषा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं 5300 करोड़ का नहीं बल्कि 5720.7 करोड़ का ये अनुपूरक बजट था जो कि वर्ष 2021 और 22 का सदन के पटल पर आज रखा गया। हालांकि अगर बात की जाए केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए इस जो बजट है उसमें 570 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 100 करोड़ और मुख्यमंत्री महिला पोषित योजना के लिए लगभग 16.51 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती जो योजना है उसके लिए 8.34 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया। वहीं इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण स्थानों पर निकायों को मजबूत करने के लिए 293 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश की जो सड़कें हैं, लगातार कई बार विधायक आरोप लगा सड़कें बदहाल है और पुलिया नहीं है तो उसके लिए भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया था और प्रदेश के जो मार्ग हैं और पुलिया हैं उनके लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं उसको भी इस बजट में जगह दी गई है और लगभग 30 करोड़ रुपए उसके लिए भी इस बजट में रखा गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है काफी बेहतर बजट था। साथ ही चार धाम यात्रा अभी लंबे समय से बंद है लेकिन चार धाम में जो काम होने हैं पुनर्निर्माण के, चाहे वो बद्रीनाथ के हों या फिर केदारनाथ धाम के,
उनको लेकर भी 15 करोड़ रुपए का बजट इस मुख्य बजट में रखा गया था। इसके साथ ही पुनर्निर्माण यानी कि जो सरकारी भवन है उन क्षेत्रों में उनके पुनर्निर्माण के लिए भी 15 करोड़ रुपए इस अनुपूरक बजट में रखा गया था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बजट बेहद खास था, बजट बहुत अलग था और कुल मिला के उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जी यानी कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको काफी बड़ा फायदा पहुंचने वाला है इस बजट के बाद, अब लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि अनुपूरक बजट है और सरकार के पास समय कम है इसलिए अनुपूरक बजट लाया जाता है सदन के पटल पर, और आज ही अनुपूरक बजट लाया गया है। जो उम्मीद की जा रही थी लगभग 5,300 से 5,400 करोड़ का बजट होगा, लेकिन सरकार ने लगभग 5,720.78 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा, और कल इस बजट पर अब चर्चा भी की जाएगी। जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अनुपूरक बजट जो है वो आज पेश किया सदन में, और काफ़ी जोर शोर से हंगामा होने के आसार थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तस्वीरें जो थी वो साफ शांत स्वभाव में सदन चलने की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से अनुपूरक बजट पेश किया गया। और बिल्कुल इसके उत्तर अगर हम इसके पलट देखें तो 6 अन्य विधेयक भी पटल पे पेश किए गए। तो बजट पेश किया गया 5,300 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया, जिससे साफ तौर पर सरकार यहाँ पे जो राज्य के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने वाली है। वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल की अध्यक्षता में विधानसभा में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पेयजल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी पेयजल योजना से संबंधित काम होने हैं उन सभी की सितंबर महीने तक पूरी DPR बना ली जाए ताकि उन पर शीघ्रता से काम शुरू किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि भारत सरकार के स्तर से जो भी योजनाएं स्वीकृत होकर आती हैं शासन से उन योजनाओं की अग्रिम प्रक्रिया में देरी ना की जाए बल्कि शीघ्रता से यानी जल्द से जल्द उनके टेंडर को शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा पेयजल मंत्री ने निर्देश ये भी दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन में जिन उपभोक्ताओं को अभी तक 55 लीटर पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है उनसे बिल ना वसूला जाए। उपभोक्ताओं से बिलिंग केवल तभी ली जाएगी जब उनको 55 लीटर या उससे ज्यादा पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो जल जीवन मिशन को लेकर ये सारी बातें कही गई बिशन सिंह चौपाल की तरफ से, जो कि पेयजल मंत्री हैं उत्तराखंड के। मिशन के अंदर सारे अधिकारियों की बैठक ली गई, बैठक में सितंबर माह तक जितने भी हमारे काम होने हैं उन सब के DPR बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सितंबर अंतिम तारीख रहेगी, उसके बाद कोई DPR समझ नहीं किया जाए, इसलिए सारे अधिकारी बन जाए। दूसरा ये जो समस्या हमारे सामने आ रही थी कि भारत सरकार के बाद कोई भी योजना हमारी अप्रूव हो जाती है, भारत सरकार की ओर से स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद शासन में थोड़ा प्रक्रिया में समय लग जाता था, 1 महीना भी उसके चेक करने में, रेट चेक करने में और उसके जो तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो भारत सरकार से अप्रूव जाए तो तत्काल उनके टेंडर को हटा दीजिए। तीसरा जो विषय आज की मीटिंग में तय किया गया कि जो कनेक्शन हमने दे दिए। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन रहा। इस दौरान सदन में विपक्ष ने कई तरह के सवाल सरकार से किए और साथ ही साथ कई सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगे। सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर सवाल जवाब हुए। एक तरफ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बालिकाओं के लिए बनाई गई योजना के लाभ को लेकर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री बंसीधर भगत ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से साथ में सदन में मौजूद रहती है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्ता पक्ष और साथ ही विपक्ष के सभी विधायकों को सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और साथ में सहयोग करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। और साथ ही साथ उत्तरकाशी के मिलन में रतनपुर में बनने वाले गरतांग पुल को लेकर उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। 2015-16 और 2016-17 उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ करी थी। योजना का नाम था नंदा देवी कन्याधन योजना।
योजना का उपनाम भी था हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना। यह योजना जब प्रारंभ करी थी तो प्रारंभ करने के साथ में इस योजना का स्वरूप जो है 5,000 की धनराशि पैदा होने पर और 10,000 की धनराशि की एक FD 8 वर्ष तक उस बालिका के नाम रहेगी, इस प्रकार की योजना बनाई गई थी। उस समय चूंकि हम सब लोग चुनाव की ओर भी बढ़ रहे थे, यह योजना केवल लोक लुभावनी योजना बनकर दिख रही थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उस समय के जो लाभार्थी थे जिन्होंने उस दौरान आवेदन किया था, इस योजना की घोषणा के साथ में बहुत कम बजट के साथ में बहुत कम लाभार्थियों के साथ में इस योजना को संचालित कर दी गई, जिसकी पेंडेंसी यदि मैं 15-16 की बात करती हूँ, उसकी पेंडेंसी 11,300 बालिकाएं 15-16 में रह गई थी और 2016-17 में यह पेंडेंसी 11,916 करीब रह गई थी। विपक्ष में सरकार को घेरा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विपक्ष को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज प्रश्नकाल चलने दिया है, अच्छी परंपरा डाली है और प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न आए हैं हमारी मंत्रियों ने उनका जवाब दिया है, इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। विशेष रूप से जो उन्होंने कहा जिलों की बात कही है, हमने दिसंबर 2011 में मिशन जी की सरकार में 4 जिलों की घोषणा की, इसके सीमांकन इत्यादि होने के समय कुछ विवाद हुआ था, महामहिम राज्यपाल जी ने कोई कमेटी गठित कर दी थी, उस कमेटी के गठन होने तक तो सरकार का समय पूरा हो गया, मार्च में नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन 5 साल फिर कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी और इस 4.5 साल में भी कभी कोई चर्चा नहीं करी। देखिए, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से सहयोग सत्र के दौरान सभी का मिलता है और आज फिर प्रश्नकाल में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के सभी उत्तरित हुए, यानी कि माननीय मंत्रिपरिषद में भी जितने भी हमारे मंत्रीगण थे सबने उनका सकारात्मक जवाब दिया और 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में 20 प्रश्न तो तारांकित थे और 2 प्रश्न अल्पसूची थे और 1 प्रश्न पिछली बार का स्थगित है, यानी 23 प्रश्नों के सापेक्ष यदि हमने जो स्थगित किए थे उनको छोड़ दें तो सभी प्रश्नों के संतोषजनक जवाब माननीय मंत्रीगणों के द्वारा दिए गए। मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये 150 पुरानी एक ये ब्रिज था जिससे लोग जाते थे और तिब्बत से लोग इसमें आते थे और उत्तरकाशी को बाड़ा हाट कहा जाता था, तो बाड़ा हाट के अंदर व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आते थे। चट्टान पे ये बनी हुई है और इसको कश्मीर के पठानों ने इसको बनाया और अपने आप में ये बड़ा अजूबा है। तो मैं जो स्काई वॉक की बात करता था कि स्काई वॉक हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो 150 साल पुरानी ये स्काई वॉक है और इसमें मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे पूरे देश के पर्यटक इसको आके देखें और इसकी पौराणिकता को देखें, इसका जो जैसे बनाई गई है उसको देखें, तो ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक था। और वहीं सोमवार देर शाम को जोशीमठ के पालिका बाजार में एक व्यक्ति के गिरने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सतेंद्र पवार अचानक पालिका बाजार के पास सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोशीमठ थाने में तैनात SI हेमकांत सेमवाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो सीढ़ियों से अचानक गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई, जहां पर पुलिस ने बताया की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस तो पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं लगभग चार महीने से बंद पड़ी मां मनसा देवी रोपवे यानी के उड़न खटोला सेवा को उत्तराखंड शासन द्वारा दोबारा से संचालित किए जाने के आदेश आने और रोपवे सेवा शुरू होने पर मां मनसा देवी प्रवेश मार्ग के हजारों व्यापारियों में खुशी की लहर देखी गई है। रक्षाबंधन त्योहार और रविवार बीच में पड़ने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तों समेत विकलांग, दिव्यांग, बुजुर्गों, महिलाओं ने रोपवे सेवा से मां मनसा देवी के दर्शन किए और बाजारों में खरीदारी भी की। रोपवे यानी के उड़न खटोला सेवा को दोबारा से संचालित किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत मां मनसा देवी व्यापार मंडल और अन्य स्थानीय निवासी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के चलते मंगलवार को व्यापारियों द्वारा मां मनसा देवी पैदल मार्ग के पास प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि रोपवे यानी उड़न खटोला सेवा को एक बार फिर से उत्तराखंड शासन द्वारा शुरू किए जाने के आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि कोरोना, कुंभ, कावड़ के प्रतिबंधों की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए उत्तराखंड सरकार का रोपवे दोबारा से संचालित किए जाने का फैसला किसी चिरंजीवी से कम नहीं है। प्रदेश में मॉनसून के कारण जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे कि रास्ते बंद हो रहे हैं और रास्ते बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को और साथ ही साथ उनके पर्यटकों को भी खासा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दे दिया है। गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड को बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जीती जागती देन बताया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। प्रदेश की सड़कें निर्माण के कुछ महीनों बाद ही धस रही हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ता है। गणेश गोदियाल ने कहा कि दोनों सरकारें ऑल वेदर रोड की सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने ऑल वेदर रोड निर्माण की जाँच की भी मांग कर दी है। अब खबर उत्तरकाशी से, जहां चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर मंगलवार को होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने गंगोत्री कूच किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा हर्षिल में सभी को रोक दिया गया। इससे पर्यटक व्यवसायियों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं इस दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि केवल चारधाम यात्रा बंद है, लेकिन बाकी सारी जगह खुली हुई है, इसलिए चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर चमोली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा शुरू ना होने पर आक्रोशित बद्रीनाथ धाम के स्थानीय लोगों ने साकेत तिराहे पर सरकार को जगाने और बुद्धि वृद्धि और साथ ही उसकी शुद्धि के हवन यज्ञ कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। बद्रीपुरी में भी स्थानीय लोग और कारोबारी चार धाम यात्रा को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने के लिए साकेत तिराहे के पर बीते पांच दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि चार धाम यात्रा ना खुलने की वजह से पिछले साल से वो बेरोजगार बैठे हैं और अपनी गाड़ियों की किस्त समेत परिवार का पालन पोषण करने में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही कांग्रेस लगातार सक्रिय होते हुए मैदान में नजर आ रही है। जनता के बीच बीजेपी की खामियों को और कमियों को उजागर करने के लिए नए नए तरीके भी कांग्रेस संगठन अपने पदाधिकारियों को सौंप रही है। इसी कड़ी में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद गरिमा दसौनी ने पहली बार ऋषिकेश में
पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। गरिमा दसौनी ने आरोप लगाए कि कम समय में 3 मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी ने खुद ही साबित कर दिया है कि वो सत्ता चलाने में नाकामयाब साबित हो रही है। गरिमा दसौनी ने राज्य की सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार मरीजों को स्वास्थ्य तो व्यवस्था नहीं दे सकी। दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करने का बीजेपी का दावा बिल्कुल खोखला साबित होगा। गरिमा दसौनी ने यह भी कहा कि सरकार की नाकामियों और खामियों को उजागर करने के लिए पूरे गढ़वाल में अब लगातार प्रेस वार्ताएं की जाएंगी, जिससे विधानसभा चुनाव में जनता सोच समझकर अपने वोट की चोट से बीजेपी को सबक सिखाए। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी गरिमा दसौनी के साथ में उपस्थित दिखे। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जमकर सराहना की तारीफ की। मंगलवार को विधानसभा में सदन के बाहर हरीश धामी नेटवर्किंग की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे, जहां हरीश धामी को सदन के बाहर धरने पर बैठे देख सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ सदन में लेकर चले गए। वहीं हरीश धामी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत करने के लिए कहा है। साथ ही हरीश धामी का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री का यह अच्छा व्यवहार देखने को मिला कि वे उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद उनके पास पहुंचे और उन्हें साथ में अपने सदन लेकर गए। और चमोली जिले के दशौली विकासखंड के सियूण गांव को जोड़ने वाली सड़क बीते 20 अगस्त की रात भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद से अभी तक ये रास्ता सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग बाछुरी तोक पर भारी भूस्खलन होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां आवाजाही के दौरान हो रही है। बता दें कि सियूण गांव में 50 परिवार रहते हैं। गांव के स्कूली बच्चे भी हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल बेमरू जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। और ज्योलीकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे भारी मलबे के चलते आज 5वें दिन यातायात के लिए खुल पाया है। आज सुबह कुछ देर के लिए रास्ता खुला और वहां पर फंसे वाहनों को आगे निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से भूस्खलन के चलते मलबा आने से रास्ता दोबारा से बाधित हो गया। वहीं मलबे को साफ करने के लिए काम जारी है। बताया जा रहा है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर मार्ग खोला और बंद किया जाएगा और मलबा हटाने का काम किया जाएगा। आगामी 4 सितंबर को खटीमा से होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ताकत में जुट गई है। इसी के चलते आज नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और कुमाऊं प्रभारी प्रोफेसर ज्योत सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रैली के जरिए प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता की अदालत में जाएगी। बीजेपी के खिलाफ जनता आक्रोशित है, इसका सीधा लाभ कांग्रेस को चुनाव में मिल सकता है। उन्होंने कहा बीजेपी को घेरते हुए ही उन्होंने सारी बातें कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में विकास कार्य बिल्कुल ठप है, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, खाद्य सामग्री और पेट्रोल पदार्थ के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, प्रदेश में पलायन लगातार जारी है, महिलाओं और दलितों के साथ उत्पीड़न की जैसी खबरें भी सामने लगातार आती हैं, कोविड घोटाला, कुंभ घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला इस सरकार में हुए हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी पर यह हमला बोला कि हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार जो है वो फेल नजर आती है, जिसको कांग्रेस जनता के बीच में उजागर करने का अब काम करेगी। और फिलहाल इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।